ये जेवलिन है, ये भी एक एथलेटिक्स का हिस्सा है, ये इसका एक एडवांस रूप है। आदि मानव काल से जब खाने पीने के लिए या शिकार करते थे आदि मानव, तो किसी लकड़ी को काट करके तीखा करके उसको फेंक के मारते थे, किसी जानवर का शिकार करते थे तो खाने के लिए यूज होता था। उसके बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आए और 1896 में ग्रीस में, जिसको हिंदी में यूनान भी कहते हैं, यूनान में ओलंपिक का जन्म हुआ और फर्स्ट ओलंपिक 1896 में ग्रीस में एथेंस में हुई। तब एथलेटिक्स में थ्रोइंग का प्रयोग हुआ, तो थ्रो में इस जेवलिन का भी प्रयोग होना शुरू हुआ। ये मैन का जेवलिन है, इसकी लंबाई 2 मीटर 60 सेंटीमीटर होती है, टिप होती है, ये करीब 15 इंच लंबी होती है और ग्रिप करीब 5.5 इंच लंबी होती है। इसका जो वेट है 800 ग्राम। ये मैं आपको जो जेवलिन दिखा रहा हूँ, ये पूरे विश्व में पूरे से यूज़ करते हैं। ये विमेन जेवलिन है और इसकी लंबाई 2 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है। मैन जेवलिन की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसकी टिप करीब 15 इंच होती है और इसकी करीब 12 इंच। भार 600 ग्राम का होता है, इसकी ग्रिप करीब 4 इंच की होती है। जेवलिन को फेंकने का तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको ग्रिप बताई थी, ये हम इस प्रकार से जेवलिन को ग्रिप किया एथलीट ने। ये आपको मैं लास्ट स्टेप की टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस तरह से हाथ पीछे किया, ये देख रहे हैं आप, इस टाइम मेरा जो शरीर का पूरा भार है वो मेरे दाहिने टांग के ऊपर है। और ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं पैर से लेके, ये देखिए, ये आपको एक प्रकार का धनुष की तरह नज़र आएगा। ये देखिए, हाथ पीछे है, वेट मेरा राइट लेग के ऊपर है और ये पूरा धनुष की तरह बना हुआ है। और जैसे ही हमारा लेफ्ट लेग आगे लगेगा फेंकने के लिए, यहाँ से अपनी जोर लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये पैर उठेगा, धीरे धीरे ये बॉडी वेट लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा और धीरे धीरे हाथ आएगा और जेवलिन डिलीवर हो जाएगा। ये जो लाइन लगी हुई है एक वाइड लाइन, और आप उधर उस साइड में देख रहे हैं वो वाइड लाइन, ये करीब 35 मीटर लंबा रनवे होता है एथलीट के पास से। एथलीट को 1.5 मिनट का टाइम, 90 सेकंड का टाइम मिलता है थ्रो करने के लिए। जेवलिन के अंदर भी एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है, हर एक इवेंट का एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है जो उसको इवेंट करने से पहले किया जाता है। उसमें कुछ एक एक्सरसाइजेज होती है ताकि वो उस इवेंट से संबंधित हो और बॉडी उसी हिसाब से उसको ट्यून अप कर सके और आगे तैयारी कर सके। उनमें से मैं कुछ एक आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जेवलिन है, इसका जो बीच का पॉइंट है आप इसको दोनों हाथों से होल्ड कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको करने के लिए आपको बाजू की एक्सरसाइज मेन है, क्योंकि जेवलिन एक ऐसा पावरफुल इवेंट है जिसमें पावरफुल बाजू और कंधे दोनों की मजबूती चाहिए एथलीट की बाकी योग्यताओं के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं इसको बाजू की एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये देखिएगा, आप अपने बॉडी के नॉर्मल एंगल से इसको पकड़ें। शुरू में ज़्यादा नैरो भी नहीं हो, नज़दीक भी नहीं हो, ज़्यादा वाइड भी नहीं हो, नॉर्मल पकड़ें और इसको आगे पीछे घुमाएं आप ऊपर से लेते हुए। इसमें बाजू का पूरा रोल होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसको डेवलप करने के बाद इसको इस एंगल को आप और नज़दीक कर सकते हैं। ये हर एक के अपनी काबिलियत के हिसाब से होता है कि आप इसको कितना नज़दीक ले जा सकते हो। जब ये लास्ट तक हो जाए तो ये समझिए कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइज परफेक्ट तरीके से हो रही है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज इसी में, आप जेवलिन को पकड़ के पूरा कंधे पर लेंगे, हाथ दोनों उसके ऊपर रखे और आपके चेस्ट का रोलिंग देंगे, अपर बॉडी पूरी रोल करेगी, आपका फेस बिल्कुल रोल करेगा, कमर स्ट्रेच होगी, बाजू पूरा टर्न होगा,
इसी तरह आप इसको स्विंग करेंगे 10 या 12 बार। उसके बाद यही एक्सरसाइज इसी तरीके से पकड़ के इसको एक बार दाएं से एक बार बाएं से पूरा इसका रोल लें, दूसरे हाथ को वहीं रहने दें, फिर इसको ऊपर से लेके आए आगे, फिर इसका रोल इसी को 10 बार करें। इसके बाद दूसरी साइड इसको लेंगे, अपोजिट साइड, कहाँ कहाँ शरीर का यूज हो रहा है, कहाँ तक हमारे बाजू यूज हो रहा है, आप इसी को आप पीछे की साइड से देखें। फिर इसका अपोजिट साइड, इस जेवलिन को आप कंधे पर रखेंगे दोनों बाजू ऊपर और साइड कट से पूरा आपका नेक जेवलिन में हो, जेवलिन नीचे की साइड जाएगी पैर के बराबर होते हुए दूसरी साइड, यही करीब 10 और 12 बार करना है। आपका अपर पोर्शन इसमें स्ट्रेच होगा, आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको। सेम वही पोजीशन, ये तो हमारी है ऊपर के लिए, पीछे किसके साथ कंधे के साथ की जाती है, बैक के लिए भी जेवलिन को आप आगे पीछे रखेंगे, एक बाजू पूरा लपेट के पीछे और इसको पकड़ेंगे दूसरे साइड से, जेवलिन की ये पोजीशन होगी। इसी एक्सरसाइज को लेने के लिए हम नीचे का बाजू है इसको अंदर की साइड खींचेंगे और ऊपर से स्ट्रेस लेंगे, ये 5-6 बार आप करेंगे इसी एक्शन। इसके बाद जेवलिन को उसी तरीके से पकड़ें, कंधे पर रखें, दोनों हाथों को ऊपर रखें और खाली आगे बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। इसी एक्सरसाइज को आप साइड से देखें, अब इसके बाद कुछ एक आप ग्राउंड के ऊपर जेवलिन को गड़ा के उसके बाद इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ग्राउंड में जब जेवलिन लगे तो अच्छी तरह से धोएं, उस पर ध्यान दें। इसमें एक बाजू आप कुछ नीचे से पकड़ेंगे, दूसरे बाजू को आप ऊपर से पकड़ के अपना बॉडी का पूरा हिस्सा आगे की साइड लाएंगे। दोनों हाथों को एक ही जगह से मजबूती से पकड़ेंगे और जेवलिन के साथ अपना बॉडी का बैलेंस रखेंगे, बॉडी को हल्का पीछे रखें, आगे स्ट्रेस डालें, फिर पुश मार के वापस जेवलिन को आप ग्राउंड पर रखें, आराम से हल्के से हल्के दबाव के साथ पैरों से इसको होल्ड करें, बाजू तो से पकड़ के और ऊपर की साइड खींचे, आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो, पूरा बैक जो आपकी स्ट्रेच हुई है इस पर लोड हुआ है वापस दूसरी साइड स्ट्रेच करने के लिए इसको पुल किया जाता है। जब हम जेवलिन फेंकते हैं तो हमारे ज़्यादातर मसल का खिंचाव 2 या 3 जगह आ सकता है, जिसमें से पर्टिकुलर 2-3 एक्शन आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। एक तो टेनिस एल्बो के लिए ज़्यादातर ये हिस्सा है, इसमें एक बहुत ही नाजुक सी मसल होती है, जब जेवलिन का 800 ग्राम का वजन जब इसके ऊपर पड़ता है तो यहाँ से खिंचाव हो जाता है, फिर आगे काफ़ी तकलीफ देती है। दूसरा इसका जर्क आता है हमारे कंधे में इसके या आगे की साइड, इसलिए जब भी कोई जेवलिन बिगनर या कुछ शुरुआत में कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा करे तो कम से कम किसी एक्सपर्ट को या किसी कोच को या किसी गुरु को
साथ में रखें, क्योंकि वही आपको प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर स्टाइल बता सकेंगे जिसमें आपको चोट भी ना लगे और आप उस इवेंट को ढंग से कर सकें। जेवलिन को दो वर्गों में बांटा गया है, पुरुष वर्ग व महिला वर्ग। जेवलिन एरोडायनेमिक प्रिंसिपल के आधार पर बना है, इसलिए इसकी ग्रिप में केंद्र बिंदु है। अगर यह केंद्र बिंदु जेवलिन के आगे या पीछे के हिस्से में कर दिया जाए तब इसके फेंकने की क्षमता और दूरी में बदलाव आ जाएगा। जेवलिन फेंकते समय इन बातों का ध्यान रखें, जेवलिन को ग्रिप से ही पकड़ें। जेवलिन पकड़ने के ये तरीके हैं, परंतु आप अपनी तरह से भी जेवलिन पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ना ग्रिप से ही है। जेवलिन को रनवे के अंदर से ही फेंकें, इस एंगल के भीतर ही जेवलिन गिरना चाहिए। यदि इससे बाहर जेवलिन गिरता है तो फाउल होता है, साइड लाइन के बाहर से जेवलिन फेंकने पर फाउल होगा। जेवलिन फेंकते समय लाइन पर पैर आ जाने से फाउल होता है। जेवलिन की टिप अगर मैदान में ना लगे, यानी जेवलिन सीधा गिरे या उसका पीछे का हिस्सा मैदान को छुए, तब भी फाउल होता है। यदि थ्रोवर थ्रो करते समय उसका पैर या शरीर का कोई हिस्सा थ्रो लाइन को क्रॉस कर जाए या छू भी जाए तो फाउल होता है। यदि थ्रोवर थ्रो करके बाहर निकलता है तो उसको साइड विंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जेवलिन थ्रो में एक स्पेसिफिक कोण की परिधि मिलती है और जेवलिन उसी कोण के अंदर की लाइन में गिरना चाहिए। जेवलिन बाहर गिर जाती है तो फाउल थ्रो मानी जाती है। जेवलिन को फेंकने का समय 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का है, अधिक समय हो जाने पर फाउल होगा। जेवलिन फेंकने के लिए सारी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए लंबा व सटीक शरीर, कंधे, कमर, पैरों का मजबूत होना जरूरी है। एथलेटिक्स में जेवलिन ताकत का इवेंट माना गया है। मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ। 1989 में मैंने पहली बार जेवलिन पकड़ा। ये हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें मैंने पहली बार जेवलिन फेंका। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास किया जिसमें मुझे सफलता मिली। उसके बाद साबिर अली कोच साहब ने मुझे, जो मेरे कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया और मैं उनके साथ रहकर प्रैक्टिस किया। 1991 में मैंने जूनियर में पहली बार जम्मू में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने 64 मीटर जेवलिन फेंका और उसमें नया रिकॉर्ड कायम किया। 1992 मैंने जूनियर ट्रैक एंड फील्ड में 67 मीटर जेवलिन फेंककर थर्ड मेडल लिया जोखन से। उसके बाद मैंने सेफ गेम, परमिट मीट, ट्रैक एंड फील्ड और मीटों में पार्टिसिपेट किया।